अब देखते हैं प्रगतिवाद के कवि। प्रगतिवाद के मुख्य रूप से पांच कवि हैं और दो कवि और हैं। तो प्रगतिवाद के जो पहले कवि है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध, और दूसरे है नागार्जुन, तीसरे नंबर पर है त्रिलोचन, और चौथे नंबर पर है शमशेर बहादुर सिंह, और पांचवें जो प्रगतिवादी कवि है वो है केदारनाथ। अगर अन्य कवि की बात करें तो अन्य कवियों में दो है, एक तो है डॉक्टर रामविलास शर्मा और दूसरे हैं शिव मंगल सिंह सुमन। नोट, नागार्जुन और त्रिलोचन दो कवि ही शुद्ध रूप से प्रगतिवादी कहे जाते हैं, यानी नागार्जुन और त्रिलोचन जो कवि है वो ही शुद्ध रूप से प्रगतिवादी कवि कहे जाते हैं। और प्रगतिवाद का जो तीसरा मुख्य कवि है वो केदारनाथ अग्रवाल को माना जाता है। यानी नागार्जुन और त्रिलोचन तो मुख्य रूप से या शुद्ध रूप से प्रगतिवादी कवि है, और जो केदारनाथ अग्रवाल है वो तीसरा मुख्य कवि माना जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवि होने के साथ साथ प्रयोगवादी और नई कविता के कवि भी रहे हैं। यानी जो गजानन माधव मुक्तिबोध है वो प्रगतिवादी कवि तो रहे हैं, लेकिन प्रगतिवादी के साथ साथ प्रयोगवाद और नई कविता के कवि भी रहे हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिवादी कविता के साथ साथ नई कविता के भी कवि रहे हैं। यानी शमशेर बहादुर सिंह और गजानन माधव मुक्तिबोध ये दोनों नई प्रगतिवादी विचारधारा के साथ साथ नई कविता और प्रयोगवादी कविता के भी कवि रहे हैं। अब देखते हैं प्रगतिवाद और छायावाद में अंतर। तो छायावाद काव्य में कल्पना को प्रधानता दी गई है। छायावाद काव्य में किसको दी गई प्रधानता? कल्पना को। और प्रगतिवाद काव्य में यथार्थ की प्रधानता दी गई। छायावाद में कल्पना को प्रधानता दी गई है और प्रगतिवाद में यथार्थ को प्रधानता दी गई है। छायावादी कविता का समय 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। छायावादी कविता का समय कब है? 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। और जबकि प्रगतिवाद का जो समय है वो 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवाद का समय माना जाता है। छायावादी काव्य पर रोमांटिसिज्म, मिस्टिसिज्म और फैंटेस्माटा जैसे आंदोलनों का प्रभाव देखा जाता है, जबकि प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का प्रभाव देखा जाता है। यानी जो छायावादी काव्य है उस पर रोमांटिसिज्म, मिस्टिसिज्म और फैंटेस्माटा का जैसे आंदोलनों का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन प्रगतिवाद पर केवल मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। छायावाद में रहस्यवादी भावना पाई जाती है, जबकि प्रगतिवाद में यथार्थ से जुड़ा हुआ आंदोलन है। छायावाद क्या है? रहस्यवादी भावना पाई जाती है छायावाद में, तो जबकि प्रगतिवाद यथार्थ से जुड़ा हुआ आंदोलन है। छायावादी कविता में प्रकृति का वर्णन प्रेरणा के रूप में आया है, जबकि प्रगतिवादी कविता में किसान अर्थात खेत खलियानों और किसानों की फसल का चित्रण मिलता है। छायावादी कविता में प्रकृति का वर्णन प्रेरणा के रूप में आया है, जबकि प्रगतिवादी में किसान और खेत खलियानों और किसानों की फसल का चित्रण मिलता है। छायावादी कविता आत्मिक भावों अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती है, जबकि प्रगतिवादी कविता सामाजिक स्वतंत्रता की बात करती। छायावादी कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है? आत्मिक भावों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, जबकि प्रगतिवादी कविता सामाजिक स्वतंत्रता की बात करती है। छायावादी कविता गीतात्मकता है, जबकि प्रगतिवादी कविता में आम जनजीवन की भाषा का उल्लेख किया गया। छायावादी कविता है जो गीतात्मक शैली में लिखी गई है, जबकि जो प्रगतिवादी कविताएं हैं वो आम जनजीवन की जो भाषा है उसके रूप में उल्लेख किया गया है। छायावादी कविता में दार्शनिक भावना पाई जाती है, जबकि प्रगतिवादी कविता धर्म का विरोध करती है। छायावादी में दार्शनिक भावना पाई जाती है और जो प्रगतिवादी कविता है वो धर्म का क्या करती है? विरोध करती है। छायावादी कविता की भाषा तत्सम
शब्दावली चित्रात्मकता, बिंबात्मकता और प्रतीक शैली में है, जबकि प्रगतिवादी कविता की भाषा आम बोलचाल में है। छायावादी कविता की भाषा क्या है? तत्सम शब्दावली चित्रात्मकता और बिंबात्मकता और प्रतीक शैली में है, जबकि प्रगतिवादी क्या है? प्रगतिवादी कविता की भाषा आम बोलचाल की भाषा है।